वेल, मुनव्वर फारूकी और हिना खान एक लंबे समय से अपने गाने को लेकर सुर्खियों में बने हुए थे। दोनों के रोमांटिक ट्रैक का पहला पोस्टर देखने के साथ ही फैंस इस गाने के आउट होने का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन अब लगता है कि फैंस का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है, क्योंकि आज रिलीज हो गया है हिना खान और मुनव्वर फारूकी का न्यू और ट्रेंडिंग सॉन्ग। लेकिन ये क्या, जैसे ही गाना रिलीज हुआ ट्रोलर्स ने इन दोनों को ट्रोल करना शुरू कर दिया। कैसे, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल, दिस इज मी कृतिका एंड यू आर वॉचिंग बोल्ड स्काई। देखिए, दोनों का ये रोमांटिक ट्रैक हल्की हल्की सी फाइनली दर्शकों के सामने आ चुका है। इस गाने ने रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया पर तबाही तो मचाई ही है, लेकिन शर्त लगा लीजिए कि इस रोमांटिक गाने को सुनने के बाद आपके चेहरे पर भी मुस्कान तो जरूर आएगी। हिना खान और बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी का गाना हल्की हल्की सी ने रिलीज के साथ ही फैंस के दिलों पर कब्जा कर लिया है। इस गाने में न सिर्फ मुनव्वर फारूकी के चेहरे पर ब्रेकअप का दर्द दिख रहा है, लेकिन इसी के साथ हिना खान का उनकी परवाह करना और दोनों की शानदार केमिस्ट्री वाकई मैजिकल लग रही है। वैसे गाने की बात कर ली जाए तो गाने के लिरिक्स आपको जरूर किसी की यादों और रोमांटिक मूड में ले जाएंगे। 4:59 का ये गाना और भी ज्यादा रोमांटिक बनाया है। अंत में मुनव्वर फारूकी ने अपने शायराना अंदाज से इस गाने को अजीज कौर और साज भट्ट ने अपनी खूबसूरत आवाज में गाया है, तो वहीं गाने के लिरिक्स संजीव चतुर्वेदी ने लिखे हैं। लेकिन जैसे ही ये गाना अपलोड हुआ, वैसे ही ये ट्रोलर्स के निशाने पर आ गया। हर कोई मुनव्वर और हिना खान को ट्रोल कर रहा है, एक यूजर ने लिखा मदर एंड सन। वहीं दूसरे का कहना था मुनव्वर एज यूजुअल फ्लैट नो रिएक्शन। एक ने लिख दिया मनारा को होना चाहिए था। वहीं एक का कहना था ये देख के पता लगता है कि एज काफ़ी मैटर करती है, यानी कि देखा जाए तो सॉन्ग के अंदर मुनव्वर और हिना खान के एज गैप को लेकर सबसे ज़्यादा यूजर्स इन्हें ट्रोल कर रहे हैं। फिलहाल इस गाने के सामने आने के बाद आपकी इस पर क्या राय है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और भी ऐसी मजेदार वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़ रही बोल्ड स्काई के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।